देखिए मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, नेपाल में इतनी बारिश हुई है कि 300 mm बारिश थोड़े ही टाइम में हो गई। आप लोगों को भी जानकारी होगा 1968 के बाद शायद इतनी बारिश नहीं हुई थी, 68 के बाद 6 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी कोसी से निकला है, लगभग उतना ही गंडक से निकला है। मैं भी इस विभाग में था, हम लोगों ने कभी इतना पानी नहीं देखा था। ये तो नेचुरल कैलेमिटी है जितना पानी आया है, लेकिन कहीं भी एम्बैंकमेंट अभी तक एक जगह केबल आया है बागमती में सीतामढ़ी के पास कहीं, जो कहीं ब्रीच किया है, मतलब पाइपिंग हो रहा है, लेकिन कोई एम्बैंकमेंट सुरक्षित है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में बाढ़ एक बड़ी समस्या बनी हुई है, इसको लेकर कई जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि अब इसको लेकर बिहार सरकार में पूर्व जल संसाधन मंत्री और राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार सरकार के अलर्टनेस के कारण ही जो बाढ़ से एक बड़ी तबाही की आशंका थी उसे बचा जा सका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाढ़ से अस्थायी निदान के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी लगातार कार्य कर रही है। आने वाले समय में जो कुछ भी जरूरी जो समाधान के लिए काम होगा वो बिहार सरकार की ओर से किया जाएगा और केंद्र सरकार भी कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में पूर्व जल संसाधन मंत्री और राज्यसभा सांसद संजय झा, छोड़ जाते हैं उनके वीडियो के साथ। के कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में कोसी नदी उफान पे है, बाढ़ काफी बड़ा समस्या इस बार फिर बन गया है सर। देखिए मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, नेपाल में इतनी बारिश हुई है कि 300 mm बारिश थोड़े ही टाइम में हो गई। आप लोगों को भी जानकारी होगा 1968 के बाद शायद इतनी बारिश नहीं हुई थी, 68 के बाद 6 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी कोसी से निकला है, लगभग उतना ही गंडक से निकला है। मैं भी इस विभाग में था, हम लोगों ने कभी इतना पानी नहीं देखा था। ये तो नेचुरल कैलेमिटी है जितना पानी आया है, लेकिन कहीं भी एम्बैंकमेंट अभी तक एक जगह केबल आया है बागमती में सीतामढ़ी के पास कहीं, जो कहीं ब्रीच किया है, मतलब पाइपिंग हो रहा है, लेकिन कोई एम्बैंकमेंट सुरक्षित है। प्रॉब्लम वहाँ है जो बांध के अंदर लोग रहता है उनको भी इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको भी सारा प्रशासन लगा हुआ है, सुपौल में अन्य जगह नाव वगैरह सारा है, उनको निकाल करके वहाँ से सुरक्षित जगह ले जाने के लिए। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों का लगातार ये बिहार सरकार का भी और मुख्यमंत्री जी का रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये ट्रेजडी जो अभी विपदा आई है, ये इतनी बारिश हो रही है, इसमें आप कुछ है नहीं अपने हाथ में, तो ये बात सही है कि अगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन उत्तर बिहार के को अगर सुरक्षित रखना है तो व्यक्तिगत रूप से या वो लोगों का मानना है कि इसका परमानेंट या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो कोसी में हाई डैम है जो बनना चाहिए, या जो इस बार के बजट में भारत सरकार ने कहा है कि बाढ़ के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो बिहार के अंदर जो 4-5 नदी है वहाँ हम लोग बराज बनाएंगे, जिससे बाढ़ का भी प्रकोप कम होगा और सिंचाई की व्यवस्था भी होगी। अब ये हाई टाइम आ गया है इस बार का, कम से कम जो बारिश और ये समस्या देखी गई है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकले। केंद्र सरकार भी सीरियस है, मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर नजर रखे हुए बात कर रहे हैं। कमेटी से लोग कह रहे हैं कि सिस्टम और गवर्नमेंट का कमेटी का क्या रिपोर्ट है सर, कमेटी जो बनी थी उसमें कहां तक प्रोग्रेस है इसको लेकर के? नहीं, कमेटी ने ही इसको रिव्यू किया ना जी, यहां से कमेटी बनी भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, खुद अमित शाह जी ने भी इसको संज्ञान में लिया। आपको जानकारी है कि दिसंबर में वो गए थे बिहार में, जब ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग थी इसको संज्ञान में लिया था, और ये कमेटी पटना गई थी, पटना जा करके जल संसाधन विभाग में साके डिटेल बात की, और उसी में जो 5 बराज का प्रपोजल दिया है, अरेराज में, गोपालगंज में, बागमती में, ढेंग के पास, सीतामढ़ी में, कमला में, कोसी में आपको, और सीमांचल में एक जगह महानंदा में, और कोसी में वो जो जगह है, एक जो जगह है वहाँ पर जहाँ की बिजली का होना था काम, तो 5 जगह पर बराज बनने की बात है। मुझे लगता है ये 5ों बराज बनने से, जिसका टेक्निकल रिपोर्ट वगैरह चला गया है, और जो अगला सेशन आने वाला है तो उसका बजटिंग भी कर दिया जाएगा, जो हम लोगों को बातचीत में जानकारी मिली है, तो ये 5 बराज पे जो काम शुरू हो जाएगा और ये बन जाएगा तो कम से कम उत्तर बिहार में, मैं बाढ़ का निदान तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी उसका
जो असर है वो थोड़ा डाइल्यूट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है, जो भारत सरकार भी लगातार, नेपाल की पॉलिटिकल परिस्थिति एक अलग तरह की है, अब भारत सरकार लगातार नेपाल सरकार से भी बात कर रही है कि कोसी में, कमला में, बागमती में, इन तीनों जगह प्रपोज्ड है हाई डैम का, वो बनेगा और तो उत्तर बिहार का कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन बाढ़ का होगा। और इस बार की जो स्थिति आई है, बिहार सरकार का अलर्टनेस है जो बहुत बड़े डैमेज से बचाया है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बात को ध्यान लोग नहीं देते हैं। इतना पानी आया तो सरकार और डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग और बिहार सरकार का भी सारा एफर्ट है, जो एक बड़ा जो एक कैलेमिटी हो सकती थी उसको बचाया है इससे, और मुख्यमंत्री जी पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं सारे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का फेल्योर है, सिस्टम का, माने बारिश कराना गवर्नमेंट का फेल्योर है, बारिश होता है तो इसमें गवर्नमेंट का फेल्योर है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर हिमालय मेल्ट कर रहा है, अगर नेपाल में इशूज है, अगर गवर्नमेंट तो सोल्यूशन दे रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का काम है, इतना पानी 1968 के बाद आज तक नहीं आया था। अगर पुराने लोग जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं उनके टाइम इतना पानी आता तो क्या से क्या हो जाता। ये सरकार का मैनेजमेंट है, जो कोई अब जो एम्बैंकमेंट के अंदर है, आप लोग भी रिपोर्टिंग कीजिए, मैं देखता हूँ कि दिल्ली से लोग जाते हैं, लेकिन बांध के अंदर तो आपको नहीं रहना चाहिए, अलाउड नहीं है रहना, लेकिन लोग रहते हैं। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कैमरा लेके उन्हीं के पास पहुँच जाते हैं, उनको रहना ही नहीं है वहाँ पर। अगर आप पानी में जाकर रहिएगा तो बाढ़ नहीं आएगा आपके घर में, मैं तो देखा हूँ ना। हम लोग तो अपील करते थे कि बांध के अंदर क्यों, बांध बनाया क्यों गया कि बांध के बाहर आप रहेंगे, तो पानी वहीं गया है जो बांध के अंदर में लोग रहते हैं, अब वहीं खाली कराया गया। ठीक,